हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल बिंटू शूट्स पे। मेरा नाम है राहुल और आज हम अनबॉक्स करेंगे आपके लिए एक मी ए वन जो कि है ब्लैक कलर का। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं आपके सामने है एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स। हमने ये फ़ोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो आइए पहले हम ये बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं। सो गाइस, ये हमने फ़ोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। हमें कॉस्ट पड़ी है इसकी 14,999 जो कि आपके 15,000 रुपये होते हैं। और ये हमने ऑर्डर किया है ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई और डिस्काउंट्स के साथ, कार्ड डिस्काउंट्स के साथ ऑर्डर कर सकते हैं फ़ोन फ्लिपकार्ट से, तो आप देखिए एक ऊपर मैंने कार्ड दिया है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग को कंटिन्यू करते हैं और अभी हम बॉक्स से निकालेंगे अपना मी ए वन का बॉक्स। देख सकते हैं आप एमआई का लोगो एंड्रॉयड वन इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर गूगल से आता है। एमआई यूआई सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, शाओमी का गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड है। फ़ोन के बैक साइड में हम देख सकते हैं ड्यूअल कैमरा, प्योर एंड्रॉयड, स्नैपड्रैगन 625 और 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, 4GB 64GB मॉडल है ये, ब्लैक कलर का और मेड इन इंडिया फ़ोन है। और बैक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन और स्पेक्स हैं फ़ोन की। बाकी अब हम इस बॉक्स को ओपन करके फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। सो गाइस, ऊपर की रैपिंग निकालने के बाद अंदर है एक और वाइट बॉक्स जिस पे एमआई का लोगो है। इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, कटिंग द बॉक्स और अब देखते हैं बॉक्स के अंदर से हम फोन को। तो गाइस, ये रहा आपका मी ए वन ब्लैक कलर का, कम्प्लीटली ब्लैक है, काफ़ी लाइट वेट है हाथ में। और अभी हम इस फ़ोन को साइड में रखते हैं और अंदर की चीज़ें देख लेते हैं बॉक्स की। तो बॉक्स में आपको अंदर एक छोटा सा बॉक्स है फ़ोन के नीचे, इसमें आपको मिल जाती है पहले आपकी डेटा केबल और चार्जिंग केबल। ये USB टाइप सी केबल है, अच्छी क्वालिटी है केबल की। इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में। तो इस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड हम देख सकते हैं लीफलेट है, वारंटी और यूज़र गाइड है आपकी कैसे फ़ोन को यूज़ करना है। अब दूसरे साइड हम बॉक्स के देखें तो आपका सिम पिन, सिम इजेक्टर पिन लगी हुई है। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर हम देखें तो आपको मिल जाता है आपका चार्जिंग ब्रिक। तो देखिए, ये जो चार्जर है आपका, ये एक नॉर्मल चार्जर है। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो ये एक नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। तो गाइज, अब हम देख लेते हैं फ़ोन को। फ़ोन के पीछे एक स्टिकर लगा है जिसमें IMEI नंबर और बैटरी वार्निंग होती है। इसे आप निकाल सकते हैं, इससे आपकी वारंटी पे या फ़ोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़ोन के सामने भी एक स्टिकर है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये देखिए आप, फ़ोन कम्प्लीटली ब्लैक कलर है, काफ़ी लाइट वेट है। पीछे दो कैमरास हैं, फ्लैश है। ऊपर आपको रिमोट कंट्रोल के लिए IR ब्लास्टर मिल जाता है और एक माइक्रोफोन है। साइड में आपके पावर बटन्स और वॉल्यूम बटन्स हैं, ये मेटल के बने हुए हैं बटन्स। नीचे आपको मिल जाता है हेडफोन का जैक, उसके बाद आपको मिलता है माइक, आपका डेटा केबल का पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। फ़ोन के लेफ्ट में सिर्फ आपका सिम का स्लॉट्स हैं। अब हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और आप देखिए फ़ोन की बूट एनिमेशन कि स्टार्टिंग में फ़ोन कैसा लगता है। तो देखिए, फ़ोन में एक आपको मी का लोगो दिखता है। ये चार आपको कलर्स की लाइन दिख रही हैं, ये गूगल के कलर्स हैं, क्योंकि फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपका गूगल की तरफ से आता है, स्टॉक एंड्रॉयड, जो कि काफ़ी फास्ट है और कई लोग इसे पसंद करते हैं। नॉर्मली आपको स्टॉक एंड्रॉयड मोटरोला या वन प्लस में मिलता है। देखिए, नेक्स्ट स्क्रीन आ गया है, एंड्रॉयड वन लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ़ोन गूगल के एंड्रॉयड वन प्लान में आता है। नॉर्मली गूगल अपना स्टॉक एंड्रॉयड सिर्फ गूगल के नेक्सस और अभी पिक्सल फ़ोन्स में देता है, लेकिन एंड्रॉयड वन फ़ोन्स में भी गूगल ही सॉफ्टवेयर देता है। तो अब आप देख सकते हैं सेटअप स्क्रीन, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद सिम कार्ड आप लगा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, और फिर
आपकी आगे की सेटिंग्स, जिसमें आप चाहें तो अपना पुराना अकाउंट से डेटा कॉपी कर सकते हैं या फ़ोन को नए की तरह सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वाईफाई चाहिए होता है, तो हम अब फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट करते हैं और देखते हैं आगे का सेटअप। तो दोस्तों हमने फ़ोन को डेटा नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है और इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है, इसलिए कनेक्शन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए फ़ोन का मेन स्क्रीन गूगल का सॉफ्टवेयर है, आप स्टॉक एंड्रॉयड की स्क्रीन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आपको गूगल, आपका गूगल नाउ का पेज मिल जाता है। ऊपर अभी गूगल प्ले की ऐप सिंक हो रही हैं और एक अपडेट भी आई हुई है अगस्त की, और पुराना सेटअप भी रुका हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिग्नल पकड़ने के बाद काम करेगा। हम आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स दिखा देते हैं इसके, जो हमने अभी नए नए फ़ोन से लिए हैं। तो हमने ये सारे सैम्पल इंडोर लाइट्स में लिए हैं। ये पहला सैम्पल देखिए, इसमें हमने फ्लैश यूज़ किया था और फ्लैश काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है सब्जेक्ट पे। और अब देखिए ये दूसरी फ़ोटो, ये बिना फ्लैश के है, नॉर्मल आपकी अंदर की आर्टिफिशियल लाइट्स, ट्यूब लाइट्स के अंदर। और इसी फ़ोटो को हमने ये ड्यूअल कैमरा से लिया है 2x जूम में, और देखिए फ़ोटो की क्वालिटी अभी भी वैसी है, कुछ ब्लर नहीं हुआ। ये एक और फ़ोटो हमने ली है जिस नॉर्मल बिना फ्लैश के, और काफ़ी अच्छी आई है, आप देख सकते हैं एजेस कहीं भी कुछ ब्लर इफेक्ट नहीं है। और अब मैं आपको उसकी अगली फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो हमने 2x जूम में ली है, इसमें भी आप देख सकते हैं क्वालिटी एकदम अच्छी है, कहीं भी फ़ोन की एजेस ब्लर नहीं हुई है। तो दोस्तों इसमें आप ऐप्स देख सकते हैं गूगल की, बहुत ही कम ऐप्स हैं, कोई फालतू के ऐप्स नहीं हैं। जो भी ऐप्स आपको चाहिए वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको सेटिंग्स दिखा देते हैं। फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी ब्राइट है, शार्प स्क्रीन है, और कैमरा क्वालिटी भी फ़िलहाल तो इंडोर लाइट्स में अच्छी लग रही है। फ़ोन भी काफ़ी फास्ट है। इसकी आगे की अपडेट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या जानना चाहते हैं अलग से इसकी कैमरा क्वालिटी अलग अलग कंडीशंस में, तो हमें कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।